हो गया घर का सारा काम, अब आ गए हैं पूजा रूम में। पूजा रूम की साफ सफाई भी हो गई है और आज है सावन का तीसरा सोमवार, चलते हैं पूजा पाठ कर लेते हैं। तो चलते हैं पूजा पाठ करते हैं, फिर देखते हैं आगे के क्या रूटीन रहेगा। जो भी रहेगा आप सभी देखिएगा, और अगर आप सभी को हमारा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। अभी 7 बजे का टाइम हो गया है, निखिल भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया है, रेडी शेडी हो गया है, लेकिन आज कुछ नाश्ता नहीं बना पाए, पूजा रूम में ही आ गया है। सारा साफ सफाई करके यहाँ पर पूजा की तैयारी हो गई है। जैसे ही पूजा करते छत पर महादेव की पूजा करते, वैसे ही इतनी तेज़ बारिश हो गई कि सारा सामान लेकर नीचे आना पड़ा। अभी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ की तो पूजा हो गई थी, नीचे तो पूजा कर लिए थे, मौसम एकदम साफ था, तो सोचे कि छत पर जाकर पूजा कर ले, जल ढाल ले और पार्टी फूटी बनाकर पूजा कर ले। वैसे इतनी तेज़ बारिश हो गई कि अब वेट कर रहे हैं, पूरा भीग भी गए हैं, सारा सामान ले गए थे, सारा सामान लेकर फिर से आना पड़ा वापस। अब इंतजार में है कब बारिश रुकेगा, तो फिर से जाकर अपना पूजा पाठ कंटिन्यू करेंगे। मौसम एकदम साफ था, धूप निकला हुआ था और बारिश, देखिए बारिश का कोई ठीक है। तो पानी में भीग भीग कर ही पूजा कर लिए, इधर बैठ कर पूरा भीग गए, नहा लिए, कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे फिर से। ये देखिए पूजा पाठ हो गई, थोड़ी देर में आएंगे तो विसर्जन करेंगे। इतनी तेज बारिश, पूजा करने से पहले बारिश हो गई, तो कोई नहीं, थोड़ा सा बारिश कम हुआ, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उसी में बैठ कर मैं पूजा कर ली यहाँ पर आसन बिछा करके, और पूजा पाठ अच्छी तरीके से हो गया। अब देखिए पूजा पाठ हो गया तो बारिश भी रुक गया, तो अब चलते हैं नीचे, थोड़ी देर में आते हैं तो विसर्जन करेंगे। इसी गमले में विसर्जन करना है। देखिए पूजा पाठ कर लिए तो बारिश भी रुक गया, इतनी तेज बारिश, उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी, इतना मौसम साफ था, धूप निकला हुआ था। यहाँ भी कर लिए और पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर लिए विसर्जन करने के लिए। प्रसाद उठा लेते हैं, महादेव विसर्जन करते हैं। इस तरीके से गमले में विसर्जन कर देंगे। जय महादेव, जय महादेव। हो गया पूजा पाठ संपन्न हो गया, आज सावन का तीसरा सोमवार का भी पूजा संपन्न हो गया। अब चलते हैं नाश्ता पानी करते हैं महादेव। अभी बना रहे हैं आलू परवल की सब्जी, सूखी सब्जी बनाएंगे, उसके लिए मसाला भी यहाँ पर हमने घोल कर रखा है भिगो करके। और यहाँ पर देखिए मटर को उबाल लिया हमने, ये रात के लिए है, आलू मटर की सब्जी बनाएंगे। और लंच के लिए यहाँ पर दाल बन गया है, सब्जी बन रहा है आलू परवल का, और ये चावल तो बन ही गया है, चावल बन गया है, और साथ में मैंने अपने लिए कुछ रोटियाँ बनाई है। मैं चावल नहीं खाऊंगी तो मैंने अपने लिए रोटी बनाई है। तो ये सारा खाना पीना तैयार हो गया, लंच तैयार हो गया है, तो थोड़ी देर में सब्जी हो जाएगा तो पूरा लंच तैयार हो जाएगा। तो चलिए, बाहर तो तेज़ बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा बारिश रुका हुआ है तो मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं, अलर्ट रहना पड़ेगा नहीं तो बारिश आ जाएगी तो फिर सारा कपड़ा भीग जाएगा। तो यही सब कार्यक्रम चल रहा है सुबह का, ये कार्यक्रम पूजा हो जाने के बाद, नाश्ता पानी सारा कुछ हो गया है। तो यहाँ पर आलू परवल को अच्छे से भून करके पका लेंगे, तब इसमें नमक और मसाले डालेंगे।
तो हमारे जो महादेव है वो सतपड़ी है, तो पूजा करने के लिए सतपड़ जाना पड़ता है और बारिश हो जाने से परेशानी होती है। तो थोड़ी देर तेज बारिश हुई और जैसे हल्का हुआ वैसे हल्के हल्के बारिश में भीग कर ही मैंने पूजा पाठ किया। तो चलिए दोपहर का यही सारा रूटीन है। तो खाना बन जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही खाना पीना खाएंगे। दिया बत्ती जला दिया, शाम हो गई थी, तो इधर बना रहे हैं बिना दूध वाली चाय, अपने लिए चाय बना रहे हैं। और इधर आलू को छोटा छोटा कट करके रख लेंगे, पीले मटर के साथ इसकी सब्जी बनाएंगे जो कि रोटी के साथ खाने के लिए रहेगा। तो चलते हैं, ऐसे कट कर लेते हैं जब तक मेरा चाय बन रहा है। तो इधर मेरा चाय भी बन गया बिना दूध वाला, और इधर मैंने सब्जी भी काट लिया इस तरीके से, छोटा छोटा हमने काट लिया है। कुछ हरी मिर्ची भी हमने रख लिया है धो करके। तो चलिए कुछ प्रिपरेशन हो गई है शाम के खाने के लिए, अभी चाय पीते हैं, चाय बिस्कुट लेते हैं। और बना लेते हैं, रोटी बन गया है, सब्जी बना लेते हैं, बस काम फिनिश हो जाएगा। आलू यहाँ पर हल्का सा लाल हो गया है, इसमें डाल देंगे मसाले जो कि है धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी और अदरक ग्रेट किया हुआ। इसमें अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं, लगभग एक टमाटर का पेस्ट इसमें चला गया। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने पीले मटर को एक सीटी आने तक बॉईल कर दिया, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसको खड़ा ही रखना है हमें। तो इस तरीके से हमें इसे सॉफ्ट होने तक, देखिए हल्का ये सॉफ्ट हो गया है, इतना ही हमें इसे पकाना था। एक विसल आने तक हमने इसे पका लिया है। अब यहाँ पर मसाला अच्छी तरीके से एक बार भून जाए, फिर इसमें ये मटर ऐड कर देंगे और जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालेंगे। गरम मसाला उतारने से पहले डालेंगे। तो सिंपल सा बिना लहसुन प्याज वाला आलू और पीले मटर की सब्जी रोटी के साथ खाने में अच्छा लगेगा। इसे आप पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। अब ये 3-4 मिनट उबलेगा तो रेडी होगा, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। आलू मटर की सब्जी, इसको पकने देते हैं। सारा कुछ पका हुआ है, आलू मटर, बस अच्छी तरीके से मसाले और नमक के साथ पक जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक इसे पका लेते हैं। तो 4-5 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। और इतना ही गाढ़ा तो हमें उतारना है। तो ये सब्जी हो गया है, आलू मटर ऑलरेडी पका हुआ है, ऐसा ही गाढ़ा इसका ग्रेवी रहेगा। देखिए बहुत ही लजीज बना हुआ है। Thank you.